हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट जो कि बहुत ही फेमस गुड़गांव का एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। तो ये मार्केट बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी और साथ अपने घुमाऊंगी। चलें और देखते हैं। बंजारा मार्केट जाने के लिए आपको गुड़गांव सेक्टर 56 में आपको जाना पड़ेगा और वहां पर DLF से ये आगे ये मार्केट स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम बंजारा मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां से देख सकते हैं आप। तो यहां पर जो है ना मार्केट जो है ना स्टार्ट हो चुका है लगना। तो कुछ जो है ना सड़क पे भी लगा के बैठे हुए हैं लोग और अंदर जाके बहुत बड़ा मार्केट है जो कि यहाँ से स्टार्ट है। तो अभी यहाँ पर जो है ना काम सामान कम दिख रहा है लेकिन अंदर जाके बहुत सारा सामान जो है ना बंजारे लेके बैठे हुए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको साथ के साथ हर चीज़ के रेट भी बताती जाऊँगी इन लोगों से सब पूछ के कि हर चीज़ का जो रेट क्या है। और हाँ, आपको यहाँ पर जो है ना वो हमेशा दुगने रेट में बताएंगे जो कि आपको जो है ना आपको कम करने हैं। बार्गेनिंग वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर जो है ना रेट बना के आप उसमें कम करा के आप जो है ना अच्छी चीज़ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ हमें मॉल में बहुत ही कॉस्टली मिलती है तो यहाँ पर हमें अपने बजट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही एकदम फाइन होती है इनकी। बहुत ही मुझे पसंद आई है, आप देखते जाइए। 100 रुपये की ये वाला कितने का है? ये सुंदर 700 रुपये का सेट है। हाँ हाँ, तो ये देख सकते हैं आप इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल में, बहुत सुंदर लगेगी। और ये सारे बाउल है ना सारे एंटिक हैं, आप डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पे इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट रखिए, ड्राई फ्रूट रखिए या फिर आप नमकीन बिस्किट भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर से बाउल है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम थोड़े कम रेट करने हैं, फिर धीरे धीरे आप उनके बजट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। भैया ये कितने का है? ये वाला बताओ, ये कैसे दिया? ये सब अच्छी का है? सही रेट लगाओ ना इसका, इसका सही रेट लगाओ इसका। चिड़िया इस वाली प्लेट का रेट बताओ। हाँ, कितने की है? 250। भैया तुम ऐसे रेट बता रहे हो, थोड़ा सही लगाओ तो हम उस हिसाब से फिर थोड़ा सा समझें कि लेना है कि नहीं लेना है। इस वाली प्लेट का रेट बताओ। इस वाली का 300। एक रेट बताओ। 300 रुपये की प्लेट लगा रहे हैं भैया। ओके, कितने का है ये? 600। ये वाली प्लेट कितने की है? 500।
दो का सेट है ना। कितने का है भैया ये वाला? साढ़े तीन हजार। साढ़े तीन हजार का। कितने तक लगाओगे बताइए? थोड़ा सा कुछ तो प्राइस कम करोगे ना, बताएं जरा कितने का लगाओगे? अच्छा, और ये वाला सलमान, ये वाला कितने का है? ये वाला 2800। 2800 का दे रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा रेट है। ये कैसे दिया है? हजार रुपए का। खोलो जरा इसको, पूरा खोलो। बहुत कलर है ना, सुंदर। दूर से देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है? ये रहने दो जैसी। और मैंने शॉपिंग कर ली है और शाम भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ घर, और मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो बस देखिए। इसीलिए मैंने जो है ना कल ये नहीं सूट किया, क्योंकि घर आते ही सीधे मैं किचन में खाना वाना बनाने लगी और काफ़ी लेट होने की वजह से मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई। इसीलिए मैं ये दूसरे दिन शूट कर रही हूँ और मैं ये दिखाऊंगी आपको कि मैंने बंजारा मार्केट से क्या क्या चीज़ें ली। हालांकि वहाँ बहुत महंगी चीज़ें थी, दिवाली के बाद से ही एकदम से वहाँ की जो हर चीज़ का रेट दुगना उन्होंने किया था, और काफ़ी बार्गेनिंग करने के बावजूद भी वो लोग जो है ना इतना कम नहीं कर रहे थे। तो हमने भी जो है ना उनके बजट के हिसाब से ही ले लिया कि उनको भी लॉस ना हो और हमें भी ज़्यादा लॉस ना पड़े। तो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
पहला मैं दिखाऊंगी, ये मैंने कप लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से दो कप लिए हैं, तो इनके रेट उन्होंने बताए थे 250, और फिर मैंने जो है ना ये कम करते करते मैंने ये 90 के दे दिए थे, दोनों कप 90 के उन्होंने दे दिए, काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें मुझे अच्छी खासी जो है ना प्राइस के साथ ये मिल चुके हैं, मतलब इसमें मैंने अच्छी बार्गेनिंग कर ली थी। और नेक्स्ट ये ट्रे है, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है ये ट्रे, और बहुत ही सुंदर सी ट्रे है और अच्छी क्वालिटी है, और इसको वो लोग बोल रहे थे ये 300 की बोल रहे थे, लेकिन मैंने 150 की ये ट्रे उनसे ले ली, तो ये मुझे थोड़ी महंगी ही लगी, 100 की उन्होंने नहीं दी, तो फिर मुझे भी लगा कि उनको नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने 150 की ये ट्रे ले ली। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ये बाउल हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और काफ़ी हैवी हैं ये, और ये मैंने इस तरह के दो बाउल लिए हैं, आप देख रहे हैं ना दो बाउल हैं और बहुत हैवी हैं। आप इसको किचन में किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है जो कि हमारे बहुत ही काम में आने वाला है, तो ये मैंने दो ले लिए हैं इस तरह से। और नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको एक जो बाउल था, जो मुझे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, पिंक कलर का बाउल था जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक ये बाउल है, तो ये मैं एक ही लेके आई हूँ क्योंकि ये मुझे ही पसंद था, बच्चों को नहीं पसंद आ रहा था ये कलर, तो पहले मैंने चलो एक ही ले लेती हूँ फिर बाद में देख लेंगे, तो इसीलिए ये मैंने एक लिया है, और काफ़ी शाइन कर रहा है घर में आने के बाद ही, मैंने जैसे साफ किया ना तो काफ़ी इसमें शाइन आ रही है, और बहुत ही सुंदर सा बाउल है और अच्छी क्वालिटी है, बहुत सुंदर है। इस वाले बाउल को वो 80 बोल रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे 50 का दे दिया, तो ये मैंने 50 का लिया है, बहुत ही अच्छी मेरी ये मतलब बोल सकते हैं मेरी बार्गेनिंग रही, मतलब मेरी शॉपिंग ये बहुत ही अच्छी है, तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा बाउल। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ये मैंने लिए थे इस तरह की, ये दरी जैसे हैं, तो इनको आप जो है ना मैं ये किचन के लिए लेके आई हूँ, काफ़ी बड़ा है ये, आप देखें ये लंबा है और काफ़ी अच्छा इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही अच्छा, कलर भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, आप देखें अगर ये ग्रे में होता तो मैं ग्रे में ज़्यादा इसको लेना पसंद करती, लेकिन ये कलर भी बहुत ही सुंदर है और ये अच्छा मिल गया मुझे। इसका प्राइस उन्होंने जो है ना इसका भी 250 बोला था, लेकिन पता है ये मुझे ना 150 का उन्होंने आराम से दे दिया, तो ये मैंने 150 का बहुत ही अच्छा सा जो है ना ये मैंने किचन के लिए मैट लिया है, जो मैं पूरा किचन में अपना लगाऊंगी, तो ये जो है ना जब हम किचन में खड़े होते हैं ना तो हमारे कभी कभी हम स्लीपर नहीं डालते हैं तो हमारे पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ये बहुत आपको वार्म फील कराएंगे, तो ये मैं किचन के लिए लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और ये वॉशेबल भी है, आप इसको मशीन में आराम से धो सकते हैं। और ये कुछ मैं मैट लेके आई हूँ, ये सारे कॉटन फैब्रिक है और मतलब अच्छा है, अगर आपके गीले पैर भी रखते हो ना तो आपके बहुत ही जल्दी से आपके पैर जो है ना सूख जाएंगे, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, आप देख रहे हैं। और इस तरीके मैं कुछ मैं लेके आई हूँ, पैरदान बोलेंगे इसको, आप चाहे तो बाथरूम के बाहर लगाएं या फिर इसको जो है ना बेड के भी साइड में लगा सकते हैं, एक साइड में लगा सकते हैं बेड के, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, छोटा है, और ये देखिए दोनों साइड से इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखेगा, और इतना भी छोटा नहीं है और ना इतना बड़ा है, मीडियम है, और इसका कलर देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर कलर है ये भी, ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये मैं दो पीस लेकर आई हूँ, और ये मुझे जो है ना 100 के उन्होंने दे दिए, तो मुझे 100 रुपीज़ में 1 पीस मिला है और दोनों मुझे 200 का मिल गया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि वॉशेबल है, मैं इसको मशीन में आराम से धो सकती हूँ और बहुत जल्दी सूख भी जाएगा। ये दोनों बाउल ही हमें 250 के उन्होंने आराम से दे दिए, 250 के ये हमें पड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद भी आए दोनों बाउल। मैं इतना ही लेके आई हूँ, ज़्यादा मुझे लेना नहीं था, तो बस मैं देखने गई थी, फर्स्ट टाइम मैं गई थी इसीलिए,
तो अभी मैं बजट भी बना के नहीं गई थी कि मुझे और क्या लेना है। मैं आगे नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगी तो मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ। कुछ प्लेटें मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ पर, अब वीडियो में देखना, एक ग्रीन कलर की प्लेट थी जो बहुत ही सुंदर थी, वो 300 की एक पीस दे रहे थे वो लोग, काफ़ी महंगा मुझे वो पीस लगा, लेकिन वो ही मुझे पसंद आया और प्लेटें मुझे पसंद नहीं आई। और वो प्लेट जो है ना इतनी सुंदर थी ना कि बस उसको लेने का मन किया, लेकिन रेट ज़्यादा की वजह से मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, अगर वो मुझे कम प्राइस में देते हैं तो मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगी। उसका सेट पूरा बनाऊँगी, उसका बाउल और उसकी छोटी छोटी कटोरियाँ भी थी, प्लेटें थी, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, उसका पूरा आप जो है ना सारा लेके आप डिनर सेट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर डिनर सेट बनेगा। काफ़ी कॉस्टली ये डिनर सेट बन के हमारा तैयार होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर लूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।